Hello guys, this is Rajiv. Today I am going to discuss how to work lactometer. Okay, ये है हमारा lactometer. दोस्तों आपने lactometer तो देखा जरूर होगा, लेकिन ये नहीं समझ पाया होगा कि lactometer कैसे काम करता है. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि lactometer कैसे काम करता है. lactometer को जानने से पहले हम एक बात और जान लेते हैं. पहले डेंसिटी. दोस्तों आप ये क्वेश्चन बहुत सुने होंगे कि समुद्र के पानी में तैरना नदी के पानी में तैरने से आसान होता है. क्यों? तो समुद्र के पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है. इस वजह से क्या होता है कि समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है. इसका मतलब क्या हो गया कि समुद्र का पानी में हम लोग डूबना डिफ़िकल्ट है, मतलब डूब नहीं पाएंगे हम, मतलब कंपेयर करें नदी के पानी से. तो यहाँ पर देखते हैं कि वाटर और मिल्क में लैक्टोमीटर क्या होता है. वैसे तो लैक्टोमीटर एक डिवाइस है जो दूध का शुद्धता को मापता है, ठीक है. और यहाँ पर वाटर और मिल्क का ये तुलना करते हैं. तो वाटर का डेंसिटी मिल्क के डेंसिटी से कम होता है, यानी मिल्क का डेंसिटी ज़्यादा होता है. तो अगर हम वाटर और मिल्क को मिलाएंगे तो मिल्क नीचे हो जाएगा और वाटर ऊपर हो जाएगा. और बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि जब किरासन तेल और पानी को मिलाते थे तो किरासन तेल ऊपर हो जाता था और पानी नीचे हो जाता था. ऐसा क्यों? क्योंकि किरासन तेल केरोसिन ऑयल जो है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती थी, इसीलिए केरोसिन तेल ऊपर हो जाता था और पानी नीचे हो जाता था. यहाँ इस केस में क्या होगा कि जब हम ये दोनों को मिक्सचर इस दोनों को हम मिलाएंगे, इसको और वाटर और मिल्क को मिलाएंगे, तो मिल्क हमारा नीचे हो जाएगा और वाटर हमारा ऊपर हो जाएगा. तो इसके कारण क्या हो गया कि डेंसिटी जो पहले जो मिल्क की डेंसिटी थी, ये मिक्सचर की डेंसिटी मिल्क के डेंसिटी से कम हो गई. और ज्यों डेंसिटी कम होगी तो लैक्टोमीटर ज़्यादा उसमें सिंक कर जाएगा, ज़्यादा डूब जाएगा. अगर यहाँ पर सपोज कीजिए, अगर पूरा यहाँ पर दूध होता तो दूध का तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो दूध का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो इसको डूबना कठिन होगा. तो जब अगर शुद्ध दूध रहे तो लैक्टोमीटर हमारा इतना तक ही डूबेगा. अगर उस दूध में कुछ पानी का मिलावट कर दिए तो उसके कितना पानी मिलाए, अगर मान लीजिए इसको हम डुबा रहे हैं, अगर यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर ये लैक्टोमीटर सिंक करने लगा, तो इसका मतलब है कि आपका दूध जो है सो 75% शुद्ध है. अगर लैक्टोमीटर यहीं तक सिंक करने लगे, इसका मतलब है कि आपका दूध 100% शुद्ध है. अगर लैक्टोमीटर यहाँ पर सिंक करने लगे तो इसका मतलब है कि आपका दूध 50% शुद्ध है. और अगर यहाँ पर जाके सिंक करने लगे, इसका मतलब है कि आपके दूध में बहुत ज़्यादा मिलावट है. और आई होप डैट यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. थैंक यू. प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें.